अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पांडेहाता व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल से मुलाकात कर चौड़ीकरण के संदर्भ में व्यापारियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सड़क व नाले की चौड़ाई जो निर्धारित की जा रही है उसे पीढ़ियों से व्यापार करने वाले दुकानदारों की व्यापक क्षति हो रही है। ऐसे में व्यापार व व्यापारिक हित में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपसी सहमति बना ली जाए, जिससे शासन की मंशा भी पूरी हो व स्थानीय व्यापारियों की क्षति भी ना हो सके। वो हमारे हम अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके पास आते जाते रहते हैं। यह भी हमारी एक समस्या है। मार्च चौड़ीकरण का कार्य निष्पादन करें। हम लोग पांडेहाता व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण हैं। यहाँ मुख्य इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। मेरे नेतृत्व में पांडेहाता व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त महोदय से मिलने आया था। जो दुकानों का चौड़ीकरण हो रहा है, नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है, उसमें तमाम दुकानें जा रही हैं जो सड़क के अंदर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे तमाम दुकानें जो है उजारी जा रही हैं। वहाँ से जो सैकड़ों वर्ष पुराने उनके बाप दादाओं से व्यापार करते हुए चले आए हैं, तो नगर निगम प्रशासन से ही मांग है कि दुकान उजाड़ने के पहले जो है दुकानदारों से, पदाधिकारियों से व्यापार मंडल के एक समन्वय स्थापित करके उस पर कोई नगर निगम द्वारा कार्रवाई